देखिए, आज दोपहर में थाना धर्मपुरी क्षेत्र में मेट्रो प्लाजा, उसके सामने पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच के जांच की, पाया गया कि वहां पे दो स्कूली छात्र हैं, उनके बाद आपस में उनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद एक छात्र ने कुछ बच्चों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें दो बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उनकी हालत अभी सेफ बताई जा रही है। और जो आरोपी है उसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है, और उसमें दो टीमें लगाई गई हैं और उसे जल्दी गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये क्लास 10 के छात्र हैं और 2 दिन पहले ये इनका स्कूल का एग्जाम चल रहा है, और बता रहे हैं बच्चे की थूकने को लेकर विवाद थे इनका आपस में। 2 दिन पहले भी उनका किसी वक्त बहस हुई होगी, आज भी ये लोग एग्जाम देने आए थे। एग्जाम देने के बाद ये इनकी आपस में मारपीट हुई, और जिसमें एक बच्चे द्वारा जो नाबालिग बताया जा रहा है उसके द्वारा फायरिंग की। कितने राउंड फायरिंग हुई है? इसकी अभी जानकारी की जाए, इसमें दो बच्चे घायल है, उनके पैर में गोली लगी है। और जैसे मैंने बताया अभी देखिए, अभी इसके बारे में जानकारी की, जैसे गिरफ्तार किया जाएगा उसके बारे में जानकारी की जाएगी, तो सप्लाई कहाँ से हो रही है और कहाँ से तमंचा ला रहे हैं, गोलियाँ कहाँ से आ रही है। इससे पहले भी हमने कार्रवाई की थी, अभी रिसेंट में ही हमने लिसाड़ी गेट से अभी एक तमंचा फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसका लिंक काफी अलग घटनाओं में हुआ था, काफी घटना इसमें खुली हुई थी जिनको इन्होंने सप्लाई किया था। इसमें भी हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिख के चेक करेंगे कहाँ से कौन सप्लाई करता है, और जो भी सप्लाई करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।